हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक बहुत ही आसान सी घरेलू रेमेडी शेयर कर रही हूँ। जब मौसम बदलता है उस समय बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इस समय तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर को अच्छा रखने की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ है। कोरोना वायरस का सामना करने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत ही अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपके साथ ये जो होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये कोई दवा नहीं है। इस रेमेडी के रेगुलर यूज से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स में ली हैं 5 बड़ी पीपल, इनको पिपली भी कहा जाता है। पिपली का रेगुलर यूज करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों ही अच्छे रहते हैं। एक छोटा चम्मच हमने लिया है सौंठ पाउडर, इसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहा जाता है। सौंठ पाउडर का रेगुलर यूज करने से इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। सौंठ पाउडर की जगह पर आप 2 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। 10 से 12 पत्तियां हमने ली हैं तुलसी की। तुलसी एंटीबैक्टीरियल होती है और इससे सर्दी जुकाम और कफ में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। तुलसी के रेगुलर यूज से इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। फ्रेश तुलसी के पत्ते अवेलेबल न होने पर आप तुलसी का रस भी ले सकते हैं। इस तरह की पैकिंग में तुलसी का रस मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमने 10 काली मिर्च ली हैं। काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल होती हैं और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसी कारण से ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती हैं। काली मिर्च और बड़ी पीपल को हमें दरदरा क्रश करना है, इसके बाद ही हमें इसका यूज़ करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 लीटर पानी और इस पानी में अब हम ऐड करेंगे क्रश की हुई पीपली और काली मिर्च। सौंठ पाउडर भी ऐड करना है और तुलसी के पत्तों को हम हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने पानी में ऐड कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। अब पानी में उबाल आ चुका है। पानी में उबाल आने के बाद इस पानी को हमें तब तक उबालना है जब तक कि पानी की क्वांटिटी आधी ना रह जाए। पानी उबलते हुए अब आधी क्वांटिटी में आ चुका है। इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इस काढ़े को हमें पूरी तरह से ठंडा करना है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही आसानी से काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। इस काढ़े को बनाने के बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, इसके बाद में इस काढ़े को किसी भी एयरटाइट बोतल में स्टोर किया जा सकता है और इस काढ़े का 1 हफ्ते तक यूज किया जा सकता है। इस काढ़े को सुबह शाम और दोपहर 1-1 बड़ा चम्मच यूज करना चाहिए। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले इस इम्यूनिटी बूस्टर की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।